हे भगवान, मेरे परिवार को खुश रखिए और मेरे दोनों बेटों को अच्छा आदमी बनाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ, आ रही हूँ। ओहो, क्या गर्मी है। अच्छा, बिज्जू अज्जू कहाँ है? वो खेलने गए हैं। बिज्जू अज्जू, बेटा कहाँ हो? अज्जू बिज्जू कहाँ तुम लोग, इधर आओ। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। बाबूजी, हमारे लिए क्या लाए हो? चॉकलेट लाया हूँ क्या? तेरे लिए, तेरे लिए। जाके खेलो। माँ, बाबूजी, माँ, मैं भी रिजल्ट देख के आ रहा हूँ। मैं 10th में फर्स्ट क्लास से पास किया हूँ। हाँ, सच में बेटा, खुश रहे। बाबूजी, मैं 10th में फर्स्ट क्लास आया हूँ। खुश रहो बेटा। जी हाँ बाबूजी, भगवान करे तो और तरक्की करे बेटा। सर आप, नमस्कार। और विष्णु आइए। अरे विष्णु, आपका बेटा बिज्जू 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास किया, उसको आगे पढ़ाओ, बहुत नाम करेगा। सर आप जानते हो मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत करिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बिज्जू भाई, मैं भी बड़ा होके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हाँ अज्जू, मैं भी बड़ा होके इंजीनियर बनना चाहता हूँ और हम दोनों मिलके हमारे परिवार के दुख को दूर करेंगे। ठीक है अज्जू, चलो चलते हैं। सुनते हो बिज्जू के पापा, विज्जू बोल रहा था कि बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें। तुम जानते हो लक्ष्मी, मेरा छोटा सा नौकरी में घर चलना मुश्किल हो रहा है, इतना पैसा कहाँ से लाएं। ठीक है, भगवान भरोसा है। माँ, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। क्यों बेटा? मैं अब नौकरी करूँगा और अज्जू को इंजीनियर बनाऊँगा। उसके लिए जितना मेहनत लगेगा मैं करूँगा। माँ, मेरा सपना सच नहीं हो पाया, मैं अपने सपने को अज्जू की आंखों में देखना चाहता हूँ। जैसी तेरी इच्छा बिज्जू बेटा, वैसी कर। विजय, तुम घर नहीं जाओगे क्या? देखो 6 बज गया है। नहीं सर, मुझे उबर ड्यूटी करना है। क्या प्रॉब्लम? सर, मैं मेरा छोटा भाई को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। सच में विजय, इस दुनिया में तुम जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है। तुम बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति एक कर्तव्य का साक्षात उदाहरण हो। ठीक है विजय, अगर कुछ जरूरत होगा तो जरूर बताना मुझे। जी सर। हेलो भैया। हाँ अज्जू, बोल। भैया, मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए 40,000 रुपये की जरूरत है, पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है तो भिजवा देते। तू चिंता मत कर अज्जू, मैं व्यवस्था करके तेरे पास भेजवाता हूँ, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? सर, मुझे 40,000 रुपये देंगे, बहुत जरूरी है। अरे विजय, तुम इतना पैसे का क्या करोगे? सर, इस पैसा से मैं मेरा भाई का लैपटॉप खरीद करूंगा, वो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए लैपटॉप जो है बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है विजय, मैं देता हूँ, पर इस बात का ध्यान रखना, हर महीने तुम्हारे तनख्वाह से मैं काटूंगा। नहीं सर, मेरा तनख्वाह से मत काटेंगे, क्योंकि मेरा तनख्वाह से मेरा घर चलता है और मैं इस आपका जो पैसा को ओवर ड्यूटी करके चुका दूंगा। ठीक है विजय, तुम्हारी जैसे इच्छा। ठीक है, मैं देता हूँ। दीजिए। थैंक यू सर।
हेलो भैया। हाँ जो बोल। भैया मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत थी कॉलेज के एडमिशन फीस, हॉस्टल की फीस एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए, तो प्लीज़ मैनेज कर लेते भैया, भिजवा देते वरना मेरे को कॉलेज से बाहर कर देंगे। 4 लाख रुपया? ठीक है अज्जू, मैं व्यवस्था करके तेरे पास भेजवाता हूँ, तू टेंशन मत ले, तू तेरे पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है? ठीक है भैया। 4 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? 4 लाख रुपया? ठीक है, देखते हैं। सुनते हो, बिज्जू का उम्र हो गया है, उसके शादी के बारे में कुछ सोच रहे हो या नहीं? तुम ठीक बोल रहे हो लक्ष्मी, मैंने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, सोचते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्यों बिज्जू, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? आप जानते हैं बाबूजी, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। यदि शादी के बाद मेरा पत्नी कुछ प्रॉब्लम करेगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले मैं अज्जू को इंजीनियर बनाऊंगा, उसके बाद मेरा शादी के बारे में मैं सोचूंगा। ठीक है अज्जू, जैसा तेरा इच्छा है वैसे कर। ठीक है बाबूजी। एक बात बोलना है आपको। क्या बात है जी? बाबूजी, अज्जू फोन किया था मुझे, उसको 4 लाख रुपए का बहुत जरूरी है, और आपको तो पता है ये उसका लास्ट ईयर है, अज्जू को तो नौकरी भी मिल जाएगा, तो इतना खर्चा हम लोग कर लिए हैं और थोड़ा खर्चा कर लेंगे। वो तो क्या करना चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो 1 एकड़ खेती है उसको सेठ जी के पास गिरवी रख कर पैसा ले आते हैं, अज्जू को तो नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद पैसा दे के फिर वापस ले आएंगे। और आप दोनों को एक अनुरोध है माता जी और बाबू जी, आप दोनों को, क्योंकि इसके बारे में अज्जू को कुछ नहीं बताना है, उसको पता चलेगा तो उसका पढ़ाई में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक बोल रहा है अज्जू, वैसे ही करते हैं जी बाबू जी। ठीक है विजय, आपको मैं 4 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं लौट आए तो मेरे पूरा कोई नहीं हुआ। नहीं नहीं सेठ जी, मैं बिल्कुल चुका दूंगा, आपका जो पैसा है 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको चुका दूंगा। ठीक है विजय, आपको मैं पैसा देता हूँ, लीजिए इस पेपर में साइन करिए। ठीक, पैसा दे रहा हूँ आपको। लीजिए, ध्यान देंगे। क्यों बे, विजय तू है? हाँ मैं विजय हूँ। अबे 1 साल हो गए, पैसा कहाँ है? सेठ भेजा है मुझे, पैसा जल्द जल्द वापस कर नहीं तो उठा ले जाऊंगा। दे देंगे भाई, अज्जू को 2 महीने बाद नौकरी हो जाएगा, उसके बाद सारी पैसा आपका सूद के साथ वापस कर दूंगा मैं। है, मैं कुछ नहीं जानता, पैसा जल्द जल्द वापस कर, चलो सब लोग। फाइनली मेरे जॉब मिल गया, चलो मैं खुश कर रही माँ बाबू जी और भैया को बता ही देता हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये फोन नहीं उठा रहे हैं, चलो बाबू जी को लगा के देखता हूँ। बात करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। अरे ये फोन नहीं उठा रहे हैं, बाबू जी का फोन बंद मत आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको फोन नहीं आ रहा है। ये किसका फोन है? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? मैं रंजीत बोल रहा हूँ। कौन रंजीत? मैं इंद्र से थोड़ा ज्यादा और विष्णु से थोड़ा कम,
नाम है रंजीत, समझे? सुन, तेरा माँ बाप भाई मेरे कब्जे में है, उनका जान चाहते हो तो 5 लाख रुपए लेके मेरे अड्डे पर आ जाना। सुन, पुलिस को साथ में लाएगा तो जान से जाएगा, आएगा तो अकेले आना। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुरंत पैसे लेकर आ रहा हूँ, प्लीज़ आप उनको कुछ मत करिएगा। क्या तेरा बेटा आएगा तुम लोगों को बचाने के लिए? हाँ, मेरा बेटा आएगा अज्जू हम लोग को बचाने के लिए, तुम लोग को सबको ख़त्म कर देगा। अबे सुना, ये बुड्ढी क्या बोल रही है, इनका बेटा आएगा हम लोगों को मारने के लिए। पैसा लेके आए हो? हाँ लाया हूँ, चेक कर लो। अबे जा, पैसा चेक करके लाना। ओके बॉस। ले लाओ। पैसा दे दिया हूँ, अब तो छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा मेरा? अबे राका, उनके माँ बाप और भाई को बाद में मारोगे, पहले उसको टपका। अज्जू उठो, अज्जू उठो बेटा, तुम्हारे भाई को बचाओ। अज्जू भैया, बाबूजी, माँ, चलो बाबूजी माँ घर चलते हैं। दोस्तों, ये था कर्तव्य शॉर्ट मूवी का कहानी। मेरा आशा है कि ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को मिल सकेगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से क्या होता है कि हमारा जो टीम है, वापिनी एंटरटेनमेंट का जो टीम है, उन लोग का मनोबल बढ़ता है काम करने का। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो सर, तब तक के लिए जय हिंद।